चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं लेवल 2 एक्सरसाइज 5.2 से, ठीक है, क्लास 9 के लिए। तो देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स की क्यूब प्लस 6x² प्लस के 12x और प्लस में क्या दिया हुआ है 16। अब देखिए क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपको मोस्टली तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना है, थर्ड और फोर्थ भी आपका अप्लाई होगा, खासकर इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखिए तो आपके यहां पर अप्लाई होगा a प्लस बी का होल क्यूब, अभी बताऊंगा किस तरीके से। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब हो गया, फिर क्या होना चाहिए आपको 3 into a² यानी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर into b। अब हमें निकालना है कि यहां से b की वैल्यू क्या बन सकती है, तो मैं आपको बता देता हूं क्या बनेगी। देखिए x की क्यूब इसे नोट करो और प्लस बना दो 6x² प्लस के 12x, 16 को मैं यहां पर नोट कर सकता हूं 8 + 8। गौर से देखिए 16 को क्या नोट करते हैं 8 + 8, 8 और 8 को अगर हम सम करेंगे इनका तो कितना हो जाएगा 16 ही आएगा, ठीक है ना। अब जरा यहां पर इसे ध्यान से देखिए, फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब 8 को क्या कर सकता हूं मैं 2 का क्यूब, और आपको बताऊं इसे भी कर देता हूं 2 का क्यूब, बट अभी हमें यहां पर ध्यान देना है ये वाला क्यूब है 2 का क्यूब। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट का क्यूब सेकंड एलिमेंट का क्यूब, प्लस क्या होना चाहिए प्लस लगा लेता हूं 3 into क्या चाहिए हमें ए स्क्वायर बी, तो ए की वैल्यू क्या है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करा, इंटू बी की वैल्यू क्या है 2। देखो 3 × 2 = 6x² बनिया नहीं बनिया, फिर लगाइए प्लस। अब क्या है 3ab² तो 3 × a की वैल्यू क्या है x इंटू बी का स्क्वायर क्या है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 × 4 = 12x मिल गया। अब जब ये इक्वल है किसके a प्लस बी के होल क्यूब के, यानी फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट और उसका होल क्यूब कर दीजिए सम का। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है x है, सेकंड एलिमेंट क्या पता चल गया हमें यहां से 2 था उसका कर दिया जी होल क्यूब, और प्लस लगाइए अब क्या है आपके पास में 2 का ये भी इसका भी क्यूब। अब ये पूरा मान के चलो फर्स्ट एलिमेंट यानी a की वैल्यू और ये मान लीजिए b की वैल्यू, यानी ये क्या है फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट है, ठीक है ना, समझिए। अब अप्लाई कर दीजिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब की आइडेंटिटी, अब क्या करेंगे अप्लाई कर दीजिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b, तो यहां पर a क्या है x प्लस 2, a की वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट क्या है 2, तो प्लस कर देंगे 2 क्योंकि क्या है फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, फिर क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यानी x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, फिर क्या होना चाहिए माइनस फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, तो यानी x 2 की मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 2 में, हो गया जी मल्टीप्लाई, फिर क्या होगा प्लस में सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, तो सेकंड एलिमेंट क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है बंद कर दूं इसे। अब देखिए x फिर क्या है 2 + 2 = क्या हो जाएगा 4, तो मैं डायरेक्ट नोट कर देता हूं x प्लस 4, फिर इसे क्या करेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस के क्या हो जाएंगे 4x। अब माइनस देखिए माइनस के 2 किस में मल्टीप्लाई करूं 2x, माइनस की करूंगा माइनस के 2 × 2 = 4 और प्लस के 4, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा x प्लस 4 और फिर एक्स स्क्वायर, अब ध्यान दीजिए प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल कर दो और 4x में से 2x गया तो क्या बचे 2x बचे, तो ये वाला 4 हो गया और 4x - 2x = + 2x। क्वेश्चन का आंसर क्या होना आपका एक्स प्लस 4 नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस के 2x, ठीक है दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कंप्लीट है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो देख लीजिए मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं क्या आंसर क्या मिलेगा x प्लस 4 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4x में से 2x माइनस हुए तो क्या बचे प्लस के 2x। अब देखिए माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल हो गया तो ये हो गया ये आपका आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।